वेलकम टू ऑनलाइन मेडिकल प्रोडक्ट रिव्यूज। और आज का पॉइंट मेरे उस वीडियो से रिलेटेड है जो आप लोगों ने बहुत जिसको अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत आगे भी अभी भी चल रहा है वो वीडियो, और मैं चाहता हूं कि वो इसी तरीके से चलता रहे ताकि लोगों को पता लगे कि क्या एक्सप्लेनेशन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। वो वीडियो मेरा रिलेटेड था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के अंदर जो अभी आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। और इसके वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को इसलिए लिंक करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं सबसे पहले तो जस्टिस जेएस केयर और जस्टिस एस ए बोबडे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने, और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है जस्टिस जेएस केयर, उनसे बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने कम से कम इन टेम्पररी एम्प्लॉयज के लिए सोचा। अदरवाइज अभी तक लोग एक्सप्लॉयट ही करते आ रहे हैं, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयट ही करता हुआ आ रहा है। तो उस जजमेंट का पास करने का जो मोटो है उनका बहुत, उन्होंने जो बेसिकली मोटो था वो फुलफिल पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं तो जस्टिस जेएस केयर का अगर आप जजमेंट जो कि सिविल अपील नंबर 213 ऑफ 2013 है, इस जजमेंट को अगर आप देखें तो इस जजमेंट के पेज मैं अपने लिंक के अंदर या मेरे पुराने वीडियो से या फिर इस वीडियो में मैं फिर डाल दूंगा इस जजमेंट का लिंक मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप उस लिंक डाउनलोड दैट जजमेंट आल्सो। तो आप उस डाउनलोड करने के बाद उसके पेज नंबर आप 99 और 100 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 100 के अंदर साफ साफ पेज नंबर 100 में आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 के पॉइंट ए और सब पॉइंट 1 में साफ साफ मेंशन है कि फेयर वेजेस एंड इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। और पॉइंट 2 ए के अंदर सब पॉइंट 2 जो है उसमें भी मेंशन, सॉरी पॉइंट सी उसमें मेंशन है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी फॉर एवरीवन टू बी प्रमोटेड इन हिज एम्प्लॉयमेंट टू एन एप्रोप्रिएट हायर लेवल सब्जेक्टेड टू नो कंसिडरेशन अदर देन दोज ऑफ सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस। मतलब एक एम्प्लॉय जो कि टेम्पररी एम्प्लॉय है उसको उसके साथ काम कर रहे दूसरे एम्प्लॉय के लिए सेम सैलरी मिलना एक कानून है, कानून नहीं सॉरी एक इंटरनेशनल कोवेनेंट के तहत है जो कि जस्टिस जेएस केयर ने कहा है कि उसको सेम सैलरी सेम वेजेस मिलने चाहिए जो कि उसकी के साथ काम करने वाले एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर हो। और यही नहीं उसको साथ साथ इक्वली प्रमोटेड, मतलब उसका प्रमोशन होने के लिए भी उसको चांसेस साथ के साथ मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रमोशन मत दो जिंदगी भर एक ही डेजिग्नेशन पे रगड़े जाओ उसको, वो गलत चीज है, ये जस्टिस जेएस खेर के जजमेंट में उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जस्टिस जेएस खेर के जजमेंट के अंदर उन्होंने जस्टिस जेएस खेर ने एक कंडीशन भी इसके अंदर अप्लाई करी है जिस कंडीशन का यूज आज तक एम्प्लॉयर भी उसको मैनिपुलेट करने में यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर आपको लेना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका वर्किंग प्रोफाइल वर्क प्रोफाइल है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सेम होनी चाहिए उस एम्प्लॉय से जिसके लिए आप कह रहे हो कि मैं मेरी सैलरी उसके बराबर होनी चाहिए। सपोज एक एम्प्लॉय है जो फार्मासिस्ट लिप है परमानेंट और दूसरा एम्प्लॉय रखा हुआ है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसको भी उसको डेजिग्नेशन वो भी फार्मासिस्ट है तो तभी जब दोनों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है तभी उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए एम्प्लॉयज क्या करते हैं जो कि बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आप अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें तो हर एम्प्लॉय हर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत जरूरी जो कि एम्प्लॉयर कभी नहीं देता, देता है 50% एम्प्लॉयर देते हैं तो उसके अंदर भी वो अपना मैनिपुलेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एम्प्लॉई कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो उसके पास जो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए उस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो कि मस्ट है। नंबर वन उसका नाम, नंबर टू उसका डेजिग्नेशन जो कि एम्प्लॉयर कभी भी ढंग से नहीं देता, उसको हमेशा मैनिपुलेट करता है इसी क्लॉज से बचने के लिए कि वो कहीं ये प्रूफ ना करे, ये ना कहे कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वही मेरे साथ दूसरा जो एम्प्लॉय काम कर रहा है सेम एम्प्लॉय वो उसको मेरा भी डेजिग्नेशन सेम है उसका भी सेम है मेरी भी जॉब प्रोफाइल सेम है तो मुझे सैलरी दो। इस चीज से बचने के लिए कभी भी आपका डेजिग्नेशन नहीं देते, डेजिग्नेशन में कभी गलती से लिख भी देते तो वो मेंशन करते हैं स्किल्ड लेबर। व्हाट इज स्किल्ड लेबर? अगर आप ध्यान से देखें तो स्किल्ड लेबर तो कोई डेजिग्नेशन होता ही नहीं है, स्किल्ड लेबर इज अ काइंड ऑफ जॉब कि भाई ये आदमी काम कर रहा है ये स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर को आपकी डेफिनेशन क्या होती है? एक मशीन पे काम करने वाला आदमी भी स्किल्ड लेबर है, दूसरा इंजीनियर भी स्किल्ड लेबर है,
तो ये क्या बात हुई, स्किल लेवल, स्किल लेवल तो कुछ कैटेगरी नहीं हुई ना। डेजिग्नेशन मतलब अगर आप डेजिग्नेशन रखे हो, जैसे टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, ये डेजिग्नेशन हो गया। ऐसा स्किल्ड लेवल कोई डेजिग्नेशन नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर यही करते हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल क्या है आपकी, आपके किस चीज के लिए आपको रखा गया है। अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट रखा हुआ है तो आप एज अ फार्मासिस्ट ही काम करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर आपको डेजिग्नेशन दे देगा स्किल्ड लेबर का, उसके बाद आपसे काम सारे करवाएगा। एज अ फार्मासिस्ट भी काम कर रहे हो आप, उसके अलावा और भी जो इधर उधर के आसपास के काम होंगे वो भी आपसे ही करवाएगा। जबकि ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जो डेजिग्नेशन आपको दिया गया है उसी डेजिग्नेशन के, उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आपका आइडेंटिटी कार्ड तो आप खुद चेक करें, अगर आपके एम्प्लॉयर ने गलती से भी दिया हुआ हो, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, आपका डेजिग्नेशन वो मेंशन नहीं होगा जो आप हो, जो काम आप कर रहे हो वो आपको मैनिपुलेट करके दिया होगा। आपकी जॉब, आप जो आपकी वर्किंग प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल है, वो भी उसके अंदर मेंशन नहीं होगा। इन दोनों चीजों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल इसी चीज के लिए मैनिपुलेट किया हुआ है इन लोगों ने। तो मेरा कहना ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप जो साथ में आपके काम करने वाला है वो सेफ जॉब पे। वो बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना उस, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं इन सब चीजों को। मैं खुद एक महारत्न कंपनी में करीब 10 साल तक काम किया, हमारे को निकाल के दूसरे एम्प्लॉयज अगले ही दिन इन्होंने रख लिए। हमने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने खुद अपना केस इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा है, और हालांकि कुछ हद तक जीता भी हूं, मुझे कंपनसेशन मिला, जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि उन्होंने कुछ क्लॉज ऐसे यूज कर लिए थे जो कि जब मैं जीतने लगा सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि नो वी विल विड्रॉ, वी आर विड्रॉइंग अवर केस, तो यू कैन सबमिट दैट कंपनसेशन अमाउंट। और उसके बाद फिर तो वो मैं नहीं कर पाया, उस वजह से कुछ हद तक मेरे को कंपनसेशन ही मिला। चलिए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मेन चीज ये है कि वो यही एम्प्लॉयर का मेन मोटो यही रहता है कि वो आपको डिस्टिंग्विश कर दे आपके साथ सेम एम्प्लॉय काम करने वाले। तो आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं आपको ब्रीफ करता हूं थोड़ा सा कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके साथ जो सेम एम्प्लॉई काम कर रहा है उसका डेजिग्नेशन, उसका प्रोफाइल, उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है आपसे, तभी आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कह सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब इसके ऊपर कानून बने। देखिए इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप इसे एज इट इज छोड़ देंगे तो इट विल टेक अनदर 20-25 इयर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन अगर आपको जल्दी ही कराना है इसको, तो इसको कराने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि दो स्टेप का है। नंबर वन, एक तो कानून पारित हो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, और कानून में साफ साफ मेंशन हो कि भाई ये जो भी आप दूसरे आदमी से काम करा रहे हो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय उसकी सेम सैलरी होनी चाहिए। नंबर टू, क्योंकि ये फिर मैनिपुलेशन चालू हो जाएगा सिर्फ कानून बनाकर छोड़ने से। नंबर टू, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो BHL हो, NTPC हो, ONGC हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर एक ऑफिसर डिप्यूट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे कि आपने सुना होगा RTI एक्ट 2005, इसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर एक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो कि ग्रीवेंसेस को सेटल करता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो मेरा कहना यह है हर डिपार्टमेंट में इन लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर होना चाहिए जो कि पता करे अगर कोई एम्प्लॉय उस पे अप्रोच करता है कि सर मेरे को सेम डेजिग्नेशन दे रखा है लेकिन सैलरी सेम नहीं दे रखी है, आप देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको देख के विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एक टाइम पीरियड फिक्स करा जाए। जैसे RTI के लिए फिक्स है टाइम की एक महीने में RTI का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट अपील होगी फिर सेकंड अपील होगी, उसी तरीके से इसके अंदर भी टाइम पीरियड फिक्स करना चाहिए। और टाइम पीरियड फिक्स करके, क्योंकि वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वो बिल्कुल इंडिविजुअल होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होगा, ही कैन परफॉर्म बेटर। उसके बाद ये होगा क्योंकि एक तो आपके पास कानून होगा, कानून होने के बाद आपके पास आपकी सुनने वाला एक एम्प्लॉय भी होगा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं करवा सकती, करेगा तो वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है वो करेगा। जैसे कि आप देखते होंगे डिपार्टमेंट्स में ऑडिटर्स भी आते हैं, ऑडिटर्स जो होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं वो एम्प्लॉय कुछ भी एम्प्लॉयर कुछ भी कहता रहे वो उसकी नहीं सुनते, वो सुनते हैं तो वो करते हैं तो उसी के लिए करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, उनको जो करना है वो वही करेंगे। इस तरीके से जब इस एम्प्लॉय को रखा जाएगा जो कि इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर होगा जो कि ये देख रहा होगा कि लेबर से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो एम्प्लॉयर विल हैव टू लिसन इन।
वो उसको सुनेगा एम्प्लॉयर, उससे डरेगा वो एम्प्लॉयर, देखेगा कि कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी एम्प्लॉय को सेम सैलरी देने की जगह उसको कम सैलरी पे उसको एक्सप्लॉयट करके तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये दो काम करिए, मैं कह रहा हूँ आपको अभी भी, आप इन दो चीजों पे जोर दीजिए, आप इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक के पास जाए, ये वीडियो उनके पास पहुंचे, और उन तक नहीं तो कम से कम ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचे जो कि इस चीज पे सोच सके और इस चीज को आगे इम्प्लीमेंट कर सके। सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि एक कानून बनाना है और दूसरा हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय ऐसा रखना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो कि सारे ग्रीवेंसेस को सेटल करने के लिए वहां हो लेबर से रिलेटेड। तो तभी ये कानून और ये इस तरीके के जजमेंट्स को पास करने का फायदा हो पाएगा। अदरवाइज जस्टिस जेएस खेर की मंशा बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं उन्होंने बहुत ही प्योर हार्ट से इस जजमेंट को दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन जस्टिस जेएस खेर जिसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, अदरवाइज दे विल नॉट डू एनीथिंग। सिंपल जजमेंट पास होने से ये होता है कि जो भी कोर्ट को अप्रोच करेगा अगर प्रूव कर पाया तो वो बेनिफिट उठा लेगा, अदरवाइज किसी को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेरा कहना यह है जोर लगाइए और इसके लिए कानून बनवाइए और एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के यहां रखवाइए, जैसे कि आरटीआई का ऑफिसर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहता है, वैसे ही यहां पे भी एक ऑफिसर हो जो कि देखे हमारे साथ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज है उनके साथ कोई न्याय तो नहीं हो रहा, तभी इस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का रियल में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप उन एम्प्लॉय से करें शेयर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, उसके अलावा आप और लोगों से भी